मेसर्स अशोक एंड संस के पासबुक में 6,000 रुपए जमा शेष 31 दिसंबर 2016 का था। रोकड़ बही से तुलना करने पर निम्न तथ्य प्रकट हुए। पहला, 1,500 रुपए के चेक निर्गमित किए किंतु 900 रुपए का चेक ही भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया। दूसरा, बैंक व्यय के 10 रुपए बैंक द्वारा डेबिट किए गए। तीसरा, बैंक द्वारा 85 रुपए ब्याज जमा किया गया। चौथा, 160 रुपए का एक चेक ग्राहक से मिला जिसका रोकड़ बही में तो लेखा कर दिया गया किंतु बैंक भेजना भूल गए। पांचवा, 250 रुपए का एक चेक बैंक भेज दिया गया तथा बैंक द्वारा जमा कर लिया गया किंतु रोकड़ बही में इसका लेखा नहीं किया गया। छठवा, 29 दिसंबर को 800 रुपए का एक चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजा गया जो 31 दिसंबर तक जमा नहीं हो सका। बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। यहाँ हमको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है 31 दिसंबर 2016 को, और बेस हमारा जो है वो है बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस है उसके उसको बेस मानकर हमको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। तो क्योंकि ये बेस हमको यहाँ पर दिया गया है तो सबसे पहले हम इसको फाइनल अमाउंट का जो कॉलम है 6000 वहां पर लिख लेंगे। और अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से आइटम इसमें प्लस होंगे और कौन कौन से माइनस होंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जिसमें 1500 जो है उसके बारे में दिया गया कि चेक निर्गमित हुए लेकिन 900 रुपए का चेक ही भुगतान के लिए प्रस्तुत हो पाया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 1500 माइनस 900 यानी कि 600 का चेक अभी भी ऐसा है जो भुगतान के लिए निर्गमित किया गया लेकिन अभी तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हो पाया। और अगर पासबुक का क्रेडिट शेष वाला कॉलम अगर हम टेबल में देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत, ये माइनस हो जाता है इस कंडीशन में जबकि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो माइनस कॉलम यानी कि लेस वाले कॉलम में हम इसके लिए लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टिल नाउ 600 से हम इसकी एंट्री करेंगे लेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक वे 10 रुपए बैंक द्वारा डेबिट किए गए क्योंकि बैंक चार्जेस बैंक ने लगाए हैं और बेस जो है हमारा वो पासबुक का क्रेडिट शेष है तो ऐसे कंडीशन में जुड़ जाएगा। टेबल में हम देख रहे हैं ऐड का ये पॉइंट है तो ऐड में हम लिखेंगे बैंक चार्जेस 10 रुपीज। नेक्स्ट, बैंक द्वारा 85 रुपीज यहाँ पे ब्याज जमा किए गए, जमा यानी कि क्रेडिट किया गया यानी प्राप्त हुआ तो ऐसे कंडीशन में माइनस हो जाएगा ये पॉइंट। कब? जबकि जो बेस है बैलेंस जो है वो है पासबुक का क्रेडिट बैलेंस तो माइनस हो जाएगा ये पॉइंट और माइनस में हम ये पॉइंट लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक 85 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ पर 160 का एक चेक है एक ग्राहक से मिला है जिसकी एंट्री हमने रोकड़ बही में कर दी, यानी रोकड़ बही में तो हमारा जो बैलेंस था वो बढ़ गया लेकिन हम बैंक अभी तक इसको नहीं भेजे हैं, बैंक में इसकी एंट्री अभी तक नहीं हो पाई है। तो अब हम इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे और यहाँ हम लिखेंगे चेक इंटर्ड इन कैश बट नॉट सेंड टू बैंक 160। फिफ्थ पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ पर 250 का एक चेक है बैंक भेज दिया गया लेकिन बैंक ने अभी तक रोकड़ बही में उसका लेखा नहीं किया गया। ये जो पॉइंट है इसको अगर हम देखें टेबल में तो ये इस कंडीशन में जबकि पासबुक का क्रेडिट शेष है इस कंडीशन में ये लेस का पॉइंट है और लेस में हम इसको लिखते हैं चेक सेंड टू बैंक एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 250। लास्ट पॉइंट है हमारा 29 दिसंबर को 800 का एक चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजा गया जो 31 दिसंबर तक जमा नहीं हो सका, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे जो बैलेंसेस थे जो हमको डिपॉजिट करना था वो सब 31 दिसंबर 2016 तक हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि चेक सेंट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल नाउ, अभी तक वो क्रेडिट अभी तक वो जमा में नहीं दर्शाया गया। और ऐसी कंडीशन में अगर बेस जो है वो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो टेबल में हम देख सकते हैं कि ये ऐड का पॉइंट है ऐड हो जाएगा तो ऐड के कॉलम में हम थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे चेक सेंट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल नाउ 800 रुपीज। और अब हम देख रहे हैं कि 6000 जो था वो हमारा बेसिक अमाउंट था यानी कि बैलेंस एज पर पासबुक था, उसमें हम प्लस और माइनस दोनों के अमाउंट को प्लस माइनस कर देते हैं यानी कैलकुलेशन टोटल कर देते हैं तो फाइनल जो हमारा बैलेंस आता है वो आ जाता है 900
तो फाइनल हमारा जो बैलेंस आता है वो आ जाता है 935, जिसे कि हम बैलेंस एज पर कैश बुक मानेंगे, यानी कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस हम मानेंगे। निम्नांकित विवरण से मेसर्स समीर ब्रदर्स का बैंक समाधान विवरण 31 दिसंबर 2011 को तैयार कीजिए। पहला, 31 दिसंबर 2011 को पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष 13,880। दूसरा, बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज जो अभी तक रोकड़ बही में नहीं लिखा गया 240। तीसरा, बैंक व्यय जो अभी तक रोकड़ बही में नहीं लिखे गए 60 रुपये। चौथा, ग्राहकों को दिए गए चेक जिनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ 2,300 रुपये। पांचवा, बैंक में जमा कराए गए चेक जो अभी तक संग्रहित नहीं हुए 4,340 रुपये। छठवा, 1 नवंबर 2011 में बट्टे पर बैंक से भुनाया गया एक प्राप्त बिल 31 दिसंबर 2011 को अनादृत हो गया। यहां पर हम देख रहे हैं कि जो बेस हमको मिला है, जिसके आधार पर हमको बैंक समाधान विवरण तैयार करना है, वो है 31 दिसंबर 2011 को पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष शेष। अभी तक हम जो प्रश्न बना रहे थे वो रोकड़ बही के डेबिट शेष और क्रेडिट शेष के आधार पर बनाए गए थे। अब हम जिस प्रश्न को हल कर रहे हैं वो पासबुक के डेबिट शेष, या जिसे हम अधिविकर्ष कहते हैं, उसके आधार पर ये प्रश्न बनाया जाएगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो हमको जान लेनी चाहिए इस तरह के प्रश्न को हल करने से पहले, वो ये है कि इस कंडीशन में हम जब अपना टेबल देखेंगे तो उसमें हम किस कॉलम को फॉलो करेंगे, इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। तो इस टेबल में हम देख रहे हैं कि 4 कॉलम है हमारे पास प्लस माइनस करने के लिए, और यहाँ पर हमको जो कॉलम फॉलो करना है वो है इसका सेकेंड कॉलम, जिसमें लिखा गया है पासबुक की बाकी, यानी कि पासबुक के क्रेडिट शेष के आधार पर। तो सेकेंड कॉलम में जो नियम बताए गए हैं प्लस माइनस को, उसको ध्यान में रखते हुए हमको इस तरह के प्रश्न हल करने हैं। कब? जबकि जो हमारा बेस है वो पासबुक का अधिविकर्ष शेष हो। तो यहाँ पर हमको जो आधार है वो मिल गया है 31 दिसंबर 2011 को पासबुक का अधिविकर्ष 13,880। इसकी एंट्री हम सबसे पहले फाइनल अमाउंट कॉलम में कर लेंगे, और अब हम इस पूरे विवरण को दो भागों में बांट देते हैं, एड और लेस के लिए। अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया है, बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज जो अभी तक रोकड़ में नहीं लिखा गया। तो टेबल अगर हम देखते हैं तो बैंक अधिविकर्ष का जो ब्याज है, बैंक ने जो ब्याज लगाया है रोकड़ बही में, अगर अभी तक उसकी एंट्री नहीं की गई है तो ये माइनस का पॉइंट है, माइनस हो जाएगा रोकड़, क्योंकि यहाँ से कम हो जाएगी क्योंकि अधिविकर्ष पर ब्याज लगाया जा रहा है। तो माइनस वाला जो हमारा पोर्शन है उसमें हम इसको लिखेंगे बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज जो अभी तक रोकड़ बही में नहीं लिखा गया, और अमाउंट के इनर कॉलम में हम इसको 2040 से इसकी एंट्री हम करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बैंक व्यय जो अभी तक रोकड़ बही में नहीं लिखे गए। एक प्रकार का व्यय है, अब रोकड़ बही में जब वो लिखा जाएगा तो वो कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और अगर टेबल के अकॉर्डिंग भी हम चलते हैं तो ये माइनस का पॉइंट है। तो यहाँ पर हम इसको माइनस वाले पोर्शन में लिखेंगे बैंक व्यय जो अभी तक रोकड़ बही में नहीं लिखे गए, और 60 रुपीज से इसकी एंट्री हम अमाउंट यानी इनर अमाउंट कॉलम में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर देख रहे हैं, ग्राहकों को दिए गए चेक जिनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। तो क्योंकि ग्राहकों को चेक दिया गया, यानी कि निर्गमित कर दिया गया, और भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत। तो जैसे कि हम कॉलम में यहाँ पे देख रहे हैं टेबल में कि ये जो है पॉइंट सेकंड, तो ये जो है पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है ये, और यहाँ पर प्लस इसको हमको करना है, तो प्लस कर देंगे हम इसको, यानी कि एड वाले पोर्शन में हम लिखेंगे ग्राहकों को दिए गए चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत, और 2,300 रुपये से इसकी एंट्री हम करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बैंक में जमा कराए गए चेक जो अभी तक संग्रहित नहीं हुई, यानी कि हम जो पॉइंट पढ़ते हैं संग्रह हेतु भेजे गए चेक असंग्रहित, वही पॉइंट है ये, और टेबल में हम देख रहे हैं कि अभी तक ये संग्रहित नहीं हुआ है, यानी कि ये माइनस का पॉइंट है। हमको विशेष ध्यान रखना है टेबल का, हमको सेकंड पॉइंट सेकंड कॉलम देखना है, जिसके अंतर्गत पासबुक के अधिविकर्ष के आधार पर जो प्लस और माइनस का रूल है वो बताया गया है। तो क्योंकि ये माइनस का पॉइंट है, हम माइनस वाले पोर्शन में इसको लिखेंगे संग्रह हेतु भेजे गए चेक असंग्रहित 4,340 से इस अमाउंट को हम अमाउंट के इनर कॉलम में लिखेंगे।
सिक्स पॉइंट में 1 नवंबर 2011 को बैंक से बट्टे पे भुनाया गया एक बिल है जो 31 दिसंबर 2011 को अनादृत हो गया। अब ये एक भुनाया गया बिल जो कि अनादृत हो जाए, यहाँ पर हम टेबल में इसके बारे में देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये माइनस का पॉइंट है, तो माइनस वाले पोर्शन में हम इसको लिखेंगे बैंक से बट्टे पर भुनाया गया बिल अनादृत, और 1000 से इसकी एंट्री हम अमाउंट के इनर कॉलम में करेंगे। और अब जबकि हमने सारे प्लस और माइनस के पॉइंट्स लिख लिए हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लस का जो पॉइंट है वो केवल एक ही पॉइंट है, ग्राहक को दिए गए चेक जिनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ, तो 2300 की जो अमाउंट है वो 13880 में प्लस हो जाएगी, और टोटल जो अमाउंट है उसमें से सारे माइनस के जो पॉइंट्स है उनको हम ऐड करके अगर लिख देते हैं और तो उसके बाद हमको बैलेंस प्राप्त होता है 10540। तो ये जो बैलेंस प्राप्त होगा वो रोकड़ बही का अधिविकर्ष कहलाएगा, इसलिए क्योंकि बेस जो था हमारा इस क्वेश्चन का वो था पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष। 30 जून 2010 को पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष 8500 रुपए था। रोकड़ बही से मिलान करने पर निम्नलिखित अंतरों का ज्ञान हुआ। पहला, 20 जून को 600 रुपए का एक चेक बैंक में जमा किया गया जिसका संग्रहण 4 जुलाई को हुआ। दूसरा, 3500 रुपए के चेक निर्गमित किए गए किंतु 1200 रुपए के चेक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। तीसरा, रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में बैंक खाने का जोड़ 100 रुपए से कम लग गया। चौथा, व्यापारी की प्रार्थना पर बैंक ने 2000 रुपए का एक ड्राफ्ट जारी किया जिसके रोकड़ बही में कोई प्रविष्टि नहीं की गई। पांचवा, पासबुक में 70 रुपए बैंक व्यय के डेबिट है जिनका रोकड़ बही में कोई लेखा नहीं किया गया है। छठवा, एक ग्राहक ने 800 रुपए सीधे बैंक में जमा कराए किंतु इनका लेखा रोकड़ बही में नहीं है, बैंक समाधान विवरण बनाइए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि जो बेस है हमारा जिसके आधार पर हमको बैंक समाधान विवरण बनाना है वो है पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष 8500। तो सबसे पहले हम पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष 8500 को मेन जो अमाउंट का हमारा फाइनल अमाउंट कॉलम है उसमें हम लिखेंगे, और अब आइए देखते हैं कि इसमें किन किस किस पॉइंट्स को हम ऐड में डालेंगे और किसको हम लेस में डालेंगे। इसके लिए हम अपने पुराना हमारा जो टेबल है उसको हम फॉलो करेंगे, और साथ में हम कंसेप्ट को भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो कैश बुक है उसमें अमाउंट इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, 20 जून को 600 रुपए का एक चेक बैंक में जमा किया गया जिसका संग्रहण 4 जुलाई को हुआ। अब क्योंकि ये जो पॉइंट है ये हम टेबल में देख रहे हैं कि संग्रह हेतु भेजे गए चेक असंग्रहित, जो कि सेकंड पॉइंट है, उसके अंतर्गत इसको शामिल किया जाएगा। और जब हम देखते हैं कि पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष शेष है तो इस कंडीशन में ये माइनस का पॉइंट है, सेकंड वाला जो कॉलम है उसको हम फॉलो करेंगे, ये माइनस में हम इसको लिखेंगे। तो लेस वाला जो पोर्शन है उसमें हम लिखेंगे संग्रह हेतु भेजे गए चेक असंग्रहित, क्योंकि अभी तक संग्रहित नहीं हुए हैं तो इसमें अभी अमाउंट नहीं बढ़ेगी, तो ये माइनस के कॉलम में आ जाएगा। और अमाउंट का जो इनर कॉलम है इनर अमाउंट कॉलम में 600 की अमाउंट हम लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट है 3500 के चेक निर्गमित किए गए लेकिन 1200 रुपीज का जो चेक है केवल वो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है, यानी कि इसका अर्थ हम इस प्रकार लगा सकते हैं कि चेक निर्गमित हुआ लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, और 3500 में से केवल 1200 का एक चेक था जो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, यानी कि बाकी जो बैलेंस बचता है उसका भुगतान किया जा चुका है। अब इसको अगर हम टेबल में देखते हैं तो प्लस का पॉइंट ये हमको दिखाई देता है कब, जबकि पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष शेष को आधार मानते हुए बैंक समाधान विवरण अगर बनाया जाता है तो यहाँ पर हम 1200 को ऐड वाले पोर्शन में लिखेंगे, और इसके लिए हम लिखेंगे निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत, और इनर अमाउंट कॉलम में हम 1200 रुपीज लिखेंगे। थर्ड, रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में बैंक खाने का जोड़ 100 रुपए से कम लगाया गया, क्योंकि कम लगाया गया है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष शेष है, तो ये जो पॉइंट है प्लस में चला जाएगा, और ऐड वाला जो पोर्शन है वहां पर हम इसको लिखेंगे रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में बैंक खाने का जोड़ कम लगाया गया,
और अमाउंट जो है वो इनर अमाउंट कॉलम में 100 रुपीज लिखेंगे। नेक्स्ट, व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर 2000 रुपए का एक ड्राफ्ट जारी किया गया जिसकी रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं हुई, यानी बैंक ने पेमेंट कर दिया, ड्राफ्ट जारी कर दिया, लेकिन रोकड़ बही में अभी तक उसकी एंट्री नहीं हुई है। यहाँ हम टेबल में देखते हैं तो ये माइनस का पॉइंट दिखा रहा है क्योंकि रोकड़ बही में किसी प्रकार की प्रविष्टि नहीं की गई है। इस 2000 को हम लेस वाला जो पोर्शन है हमारा उसमें हम लिखेंगे, लेस का ये सेकेंड पॉइंट होगा, और यहाँ हम लिखेंगे कि बैंक ने ड्राफ्ट जारी किया जिसकी रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई, और 2000 से हम इसकी एंट्री अमाउंट के इनर कॉलम में करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, पासबुक में 70 रुपए बैंक वे के डेबिट किए गए, और इसमें भी सेम कंडीशन है, इसका भी जो लेखा है वो रोकड़ बही में नहीं किया गया है, यहाँ पर भी ये अमाउंट घट जाएगी, माइनस पोर्शन में इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक ने व्यय किए जिसकी रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई, और 70 रुपीज को हम अमाउंट के इनर कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट में, ग्राहक ने सीधे बैंक में पैसा जमा कराए और इसका लेखा रोकड़ बही में नहीं किया गया है, बैंक को राशि प्राप्त हो रही है लेकिन रोकड़ में से उसको हमने नहीं घटाया, रोकड़ की राशि में हमने हम रोकड़ बही में हम लिखना भूल गए हैं, तो प्लस कर दिया जाएगा, जुड़ जाएगी ये राशि, और इसको हम ऐड वाले पोर्शन में लिखेंगे, बैंक एक ग्राहक ने सीधे बैंक में जमा कराए लेकिन रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई, और 800 रुपीज से हम इसको इनर अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। अब जो भी पॉइंट हमारे ऐड और लेस करने के थे उसकी प्रविष्टि हमने कर ली। बेस अमाउंट जो है हमारी पासबुक के अनुसार अधिविकृत शेष 8500, उसमें हम जो ऐड के जो तीनों पॉइंट है उनको हम ऐड कर देंगे, और जो टोटल आ रहा है उसमें से जब हमने लेस के जो पॉइंट थे तीन पॉइंट उनको हमने माइनस किया तो आंसर जो हमको मिला वो आया 7930। अब क्योंकि जब हम क्वेश्चन हमने बनाया तो उसका आधार था पासबुक के अनुसार अधिविकृत शेष, तो आंसर जो बैलेंस हमको जो मिलेगा वो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक यानी कि रोकड़ बही के अनुसार अधिविकृत शेष माना जाएगा, जो कि 7930 रुपए से दर्शाया जाएगा। 31 दिसंबर 2006 को पासबुक के अनुसार 10700 रुपए का अधिविकृत था। निम्नलिखित सूचनाओं से बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। पहला, चेक जो 31 दिसंबर से पूर्व निर्गमित किए गए परंतु भुगतान के लिए उक्त तिथि के बाद प्रस्तुत हुए 900 रुपए। दूसरा, 2200 रुपए के चेक बैंक में जमा किए गए किंतु 31 दिसंबर 2006 तक संग्रहित नहीं हुए। तीसरा, अधिविकर्ष पर ब्याज 1200 रुपए जो रोकड़ पुस्तक में नहीं है। चौथा, बैंक द्वारा विनियोगों पर 5000 रुपए ब्याज संग्रह किया गया किंतु इसका लेखा रोकड़ पुस्तक में नहीं किया गया। पांचवा, बैंक व 50 रुपए रोकड़ पुस्तक में नहीं है। छठवा, 800 रुपए के अप्रतिष्ठित चेक की प्रविष्टि पासबुक में है, रोकड़ बही में नहीं है। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि बैंक समाधान विवरण बनाने के लिए जो आधार हमारे पास है वो है पासबुक के अनुसार 10700 रुपए का अधिविकर्ष शेष। इसके आधार पर हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं इनमें कौन कौन से पॉइंट इसमें जुड़ जाएंगे और कौन कौन से पॉइंट इसमें से घट जाएंगे, तो टेबल को ध्यान में रखते हुए हमको इस पूरी प्रक्रिया को करना है। सबसे पहले हम अपने प्रारूप में पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष शेष लिखेंगे और ये जो अमाउंट है इसको हम फाइनल अमाउंट कॉलम में लिख देंगे 10700। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि एक चेक जो है 31 दिसंबर के पूर्व निर्गमित किया गया था लेकिन भुगतान के लिए इस तिथि के बाद प्रस्तुत हुआ। कुल मिलाकर ये पॉइंट, इस पॉइंट से हमें समझ में आ रहा है कि जो निर्गमित चेक था वो क्योंकि 31 दिसंबर तक भुगतान के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए था लेकिन प्रश्न में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि इस तिथि के बाद वो भुगतान के लिए प्रस्तुत हुआ, तो इसके लिए हम एक सीधा सा जो पॉइंट लिखेंगे वो हो जाएगा निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत। और इस पॉइंट को हम टेबल में देखते हैं तो फर्स्ट पॉइंट ये आता है, और अगर हम पासबुक के अधिविकृत शेष के अनुसार प्रारूप में देखें तो ये जुड़ जाएगा। अब हम ऐड वाले पोर्शन में इसको लिख देंगे निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत 900 रुपए, और ये जो 900 रुपए है इसके अमाउंट को हम अमाउंट के इनर कॉलम में लिखेंगे।
दूसरा 2200 रुपए का चेक बैंक में जमा किया गया लेकिन 31 दिसंबर 2006 तक संग्रहित नहीं हुआ। जबकि हम प्रश्न में देख रहे हैं कि ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रही है 31 दिसंबर 2006 को, तो 31 दिसंबर 2006 तक इसको संग्रहित हो जाना चाहिए था। यानी ये पॉइंट कहना चाह रहा था संग्रह हेतु भेजे गए चेक असंग्रहित, जो कि हमारे टेबल का सेकेंड पॉइंट है। अब क्योंकि ये माइनस में जाएगा ये पॉइंट, अगर हम पासबुक के अनुसार अधिविकट शेष को देखें तो इसको हम जो हमारा लेस वाला पोर्शन है उसमें हम फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे संग्रह हेतु भेजे गए चेक असंग्रहित, और 2200 रुपए के जो अमाउंट है उसको हम अमाउंट के इनर कॉलम में लिखेंगे। तीसरा पॉइंट, अधिविकर्ष पर ब्याज 1200 रुपए जो रोकड़ पुस्तक में नहीं है। अधिविकर्ष पर बैंक ने ब्याज लगाया है लेकिन रोकड़ पुस्तक में हमने इसको नहीं लिखा है, तो रोकड़ पुस्तक से ये कम हो गया है। और दूसरी बात, टेबल भी अगर हम देखें तो टेबल में भी हमको माइनस कॉलम में दिखाई दे रहा है। हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो बेस है वो पासबुक का अधिविकर्ष है, तो 1200 रुपए को हम माइनस वाला जो हमारा पोर्शन है उसमें हम लिखेंगे थर्ड सेकेंड एंट्री में, अधिविकर्ष पर ब्याज रोकड़ पुस्तक में प्रविष्टि नहीं की गई, और 1200 से हम इस अमाउंट को इनर अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। फोर्थ हमारा जो पॉइंट है वो है बैंक द्वारा विनियोगों पर 5000 रुपए का ब्याज संग्रहित किया गया किंतु इसका लेखा रोकड़ पुस्तक में नहीं है। अब क्योंकि विनियोग से ब्याज प्राप्त हो रहा है बैंक से, न कि हमको देना है, तो प्राप्त ब्याज है और इसका लेखा रोकड़ बही में नहीं किया गया, तो इससे जो अमाउंट है रोकड़ बही में वो बढ़ेगी। और वैसे भी अगर टेबल में भी देखा जाए तो ये प्लस का पॉइंट है, तो हम कंसेप्ट को भी हमको ध्यान में रखना है और टेबल में जो प्लस माइनस का रूल है उसको भी हमको साथ लेके चलना है, टैली करते रहना है। तो यहाँ पर ये जो 5000 के अमाउंट है इसको हम ऐड वाले पोर्शन में लिखेंगे, और इसमें हम लिख सकते हैं बैंक द्वारा विनियोगों पर ब्याज संग्रह लेकिन रोकड़ बही में लेखा नहीं किया गया, और 5000 के अमाउंट को हम अमाउंट के इनर कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक वे 50 रुपए रोकड़ पुस्तक में नहीं लिखे गए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक प्रकार का एक्सपेंस है, बैंक वे है ये, और रोकड़ पुस्तक में भी इसकी एंट्री नहीं हुई, तो बाद में ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से रोकड़ जो है वो कम हो जाएगी। और अगर हम टेबल भी देखते हैं तो भी हम देख रहे हैं कि माइनस के कॉलम में ये आएगा, तो हम इसको लिखेंगे विवरण में बैंक वे जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई है, और 50 रुपीज की जो अमाउंट है उसको हम इनर अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद सिक्स पॉइंट हम देख रहे हैं 800 रुपए के अप्रतिष्ठित चेक की प्रविष्टि पासबुक में है लेकिन रोकड़ बही में इसकी प्रविष्टि नहीं की गई, डिसऑनर्ड हो गए हैं ये चेक, पासबुक में इनकी एंट्री कर दी गई लेकिन रोकड़ बही में हमने इसको कहीं पर नहीं लिखा है, तो माइनस का ये पॉइंट है टेबल में हम देखते हैं तो माइनस कर देंगे हम इसको, और यहाँ पर जो हमारा माइनस वाला पोर्शन है वहां पर हम लिखेंगे अप्रतिष्ठित चेक जिनकी प्रविष्टि पासबुक में की गई किंतु रोकड़ बही में नहीं की गई, और 800 के अमाउंट को हम अमाउंट के इनर कॉलम में लिख देंगे। अब जितने भी हमारे पास एडजस्टमेंट थे वो सारे हमने कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि 10,700 की जो अमाउंट है इसमें जो प्लस की दो अमाउंट है 900 और 5000, यानी कि 5900 को इसमें हम प्लस कर देंगे, और जो भी टोटल आता है उसमें से हम बाकी के जो माइनस के पॉइंट है वो सारे पॉइंट जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 12,350, और ये जो 12,350 के जो अमाउंट आई है उसको हम मानेंगे रोकड़ पुस्तक के अनुसार अधिविकर शेष, क्योंकि जब हम पासबुक के अनुसार अधिविकर शेष को आधार मानते हैं तो जो आंसर यानी कि जो बैलेंस आता है इसका उसको हम रोकड़ पुस्तक के अनुसार अधिविकर्ष मानते हैं।